हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुज मुकाशी एंड इन दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। साथ ही साथ बात करेंगे अबाउट गुजरात गैस लिमिटेड। पूरी कंपनी का एक एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड रिलेटिवली US में कैसा नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर है, रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं नेचुरल गैस सेक्टर एंड क्या हो रहा है इस सेक्टर में, तो वो भी थोड़ा बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक अभी स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे नेचुरल गैस का वैल्यू चेन है एंड हम थोड़ा वो भी समझ लेते कि बेसिकली ये इन शॉर्ट समझ लेंगे कि ये भी बेसिकली चेन वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले होता है गैस सोर्सिंग। अब इंडिया में हम जो नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, एक तो वो जो ऑनशोर या ऑफशोर जो फील्ड्स है, बेसिकली जो KG बेसिन हो गया, देन कैम्बिया बेसिन हो गया, तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट होता है एंड उसको देन कंटेनर टर्मिनल पे स्टोर करते हैं एंड देन उसको सप्लाई किया जाता है थ्रू द पाइपलाइन और इवन ट्रक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोसेस ऐसा भी होता है कि लेट्स से गैस इंपोर्ट भी किया जाता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल US के पास गैस है तो उसको लिक्विफाई किया जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर्स, देन उसको कंटेनर में भरा जाता है, उसको इम्पोर्ट किया जाता है, देन उसको फिर से रीगैसीफाई किया जाता है एंड देन उसको सेंड किया जाता है। सो दिस इज़ वेयर द लिक्विफाइड नेचुरल गैस किक्स इन। सो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि गैस सोर्सिंग में पहले तो होता है गैस सोर्सिंग फ्रॉम ऑनशोर और ऑफशोर फील्ड्स एंड फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ LNG। देन उसके बाद जो स्टोरेज होता है, गैस इज स्टोर्ड एट द टर्मिनल्स एंड देन दिस इज द इम्पोर्टेड LNG सेंट फॉर रीगैसिफिकेशन। जो अगर इम्पोर्ट किया होगा तो उसको रीगैसिफाई करना पड़ेगा, तो उसको रीगैसिफिकेशन के लिए सेंड किया जाता है। देन जो ट्रांसमिशन का काम है, लाइक ट्रांसमिशन का काम एक तो होता है पाइपलाइन से या ट्रक से, राइट? एंड इस ट्रांसमिशन के सेगमेंट में काम करता है GSPL। बेसिकली इट्स अ ट्रांसमीटर। जैसे कि आप पावर सेक्टर में समझ सकते हो कि जैसे एक लाइन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना, तो उसी के पैरेलली अगर हम समझे कि गैस ट्रांसमिशन, वहाँ पे काम करता है GSPL। एंड देन आता है गैस, एक बार ट्रांसमिट हो गया, अब ट्रांसमिट किसको होता है, तो वो ट्रांसमिट होता है एट CNG स्टेशंस, नहीं तो पाइप नेचुरल गैस जो रेजिडेंशियल कनेक्शंस में आता है, हमारे घर पे भी जो गैसेस आते हैं तो वो फॉर कुकिंग पर्पज। एंड देन एक है LNG। तो CNG ट्रांसमिट होता है टू CNG स्टेशन जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होता है, PNG ट्रांसमिट होता है एट रेजिडेंशियल स्टेशंस एंड LNG एक नया, अभी ये एक नया पायलट फेज में है ये, कि LNG डायरेक्टली जो LNG इंपोर्ट किया जाता है तो उसी को डायरेक्टली व्हीकल्स में यूज़ करें। अगर वैसा होता है देन दैट इटसेल्फ इज़ अ कॉम्पिटिटर टू CNG। सो अभी ये पायलट स्टेज में है बट इस पर अभी डेवलपमेंट्स आना थोड़ा बाकी है, इसके बारे में भी थोड़े हम बात करेंगे आगे जाके, गवर्नमेंट इस पर क्या प्लान कर रहा है। सो दिस वॉज द ओवरऑल वैल्यू चेन एंड ओवरऑल सेटअप। देन अब हम टेंटेटिव एक ग्रुप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि GSPL बेसिकली पूरे गुजरात के जो कंपनीज हैं, लाइक गुजरात स्टेट, गुजरात गैस, साबरमती गैस, इनका सबका स्ट्रक्चर कैसे है। तो सबसे ऊपर आता है गुजरात गवर्नमेंट, राइट? गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज्ड मनी, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड दैट मनी इन गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, दिस इज GSIL, दिस इज़ द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अब GSIL ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे इन GSPC, राइट? गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच इज़ अ इंटरमीडिएट पैरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ द द होल्डिंग कंपनी ऑफ द GSPL, क्योंकि GSPL ने उस फिर से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। देन GSPL विच इज़ अ ट्रांसमिशन कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड मनी इन गुजरात गैस लिमिटेड विच इज़ अ सब्सिडरी, यहाँ पे उनका 54.17% का स्टेक है। Then it has invested money in associates such as Sabarmati Gas Limited and another subsidiary Gujarat Info Petro Limited, and there are certain joint ventures which are named as GSPL India Gasnet Limited and GSPL India Transco Limited. अपार्ट फ्रॉम दैट जो GSIL है, जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किए पैसे, उसके कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इन गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एंड GSPC के अलग से इन्वेस्टमेंट है इन गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लिमिटेड एंड GSPC पीपा पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये एक पूरा एक सेटअप है कि कैसे ये गुजरात रिलेटेड जो एनर्जी कंपनीज है, कैसे इनका ओवरऑल होल्डिंग स्ट्रक्चर है।
अब इस वीडियो में हम जो स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम GSPC टू GSPL टू द सब्सिडरी गुजरात गैस लिमिटेड. कुछ बात करेंगे अबाउट साबरमती गैस एंड जॉइंट वेंचर्स के बारे में. तो अब हम यहाँ से ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नाउ अगर हम GSPC के बारे में पहले डिस्कशन करें तो GSPC क्या है? गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कॉरपोरेशन. तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस ट्रेडिंग कंपनी. अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं जो हमने पहले वैल्यू चेन देखा था, तो गैस एक्सट्रैक्शन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ जो नेचुरल गैस है तो वो काम जो है फ्रॉम बेसिन्स में से गैस एक्सट्रैक्ट करना, तो वो काम करता है GSPC बिकॉज इज अ एक्सप्लोरेशन कंपनी बेसिकली. एंड इनका मेजर जो काम होता है वो होता है कैम्बे बेसिन में. अभी आप एक स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि कैम्बे बेसिन पड़ता कहाँ है एक्चुअली. तो ये वहाँ पे काम होता है एंड इट इज़ इमर्ज एज अ सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एग्रीगेटर इन इंडिया. नाउ इनटू GSPC गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होल्ड 94% स्टेक एंड इट केटर्स टू 1/3 ऑफ द नेचुरल गैस डिमांड ऑफ गुजरात स्टेट. एंड इनका FY22 का रेवेन्यू रहा है ऑफ 24,000 करोड़ एंड पैट रहा है मोर देन 1,000 करोड़. एंड इनके 14 ब्लॉक फील्ड्स है ऑफ विच 12 आर प्रोड्यूसिंग स्टेज एंड 2 आर इन डेवलपमेंट स्टेज. नाउ दे ऑपरेट लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क थ्रू द सब्सिडी लाइक GSPC. हमने जैसे देखा कि GSPC होल्ड करता है इन GSPL, तो GSPL इज एंगेज इन गैस ट्रांसमिशन. जो गैस ये एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट करते हैं GSPC वाले, तो वो गैस आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है GSPL. एंड जो गैस GSPL ट्रांसमिट करता है टू द CNG स्टेशंस, तो वो CNG स्टेशंस चलाने का काम करता है गुजरात गैस लिमिटेड एज वेल एज साबरमती गैस लिमिटेड. सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज क्रिएटेड. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सप्लाई होता है गैस का, तो ये मल्टीपल मतलब एक CNG स्टेशंस को भी होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट टू अदर एंटिटीज को भी होता है कस्टमर, जैसे इंडस्ट्रियल भी हो गए मतलब वहाँ पे भी नेचुरल गैस, फिर जैसे फर्टिलाइजर कंपनी पे भी ये सप्लाई होता है. अब हम बात करते हैं कि GSPL का होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है. सो GSPL का यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो GSPL का होल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रोमोटर GSPC होल्ड 37.63% स्टेक एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट FIIs होल्ड करते हैं 16.5%, DIIs होल्ड करते हैं 25.2% एंड देर आर सर्टन अदर रिलेटेड एंटिटीज जो हमने देखे थे कि जहाँ पे GSIL होल्ड करता है स्टेक इन लेट्स से गुजरात नर्मदा वैली देन अदर गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, राइट. एंड ऑल इन ऑल अगर हम बात करें कि GSPC टू जो सब्सिडरीज है वो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो GSPC जो है वो GSPL में होल्ड करता है स्टेक ऑफ 37.63%. देन GSPL जो है वो होल्ड करता है स्टेक इन देयर JVs, दैट इज गुजरात गैस नेट इंडिया, GSPL गैस नेट है एंड GSPL ट्रांसको है, तो उसमें 52% स्टेक होल्ड करता है. एंड गुजरात गैस में GSPL होल्ड करता है स्टेक 54% एंड साबरमती गैस में होल्ड करता है 27.5%. अब इन सब के रोल्स क्या है, तो गुजरात गैस लिमिटेड में जैसे कि हमने पढ़ा कि 54% का स्टेक होल्ड करता है, तो गुजरात गैस ऑपरेट करता है CNG स्टेशन. जो GSPL गैस ट्रांसमिट करता है एट CNG स्टेशन, तो वो CNG स्टेशन आर ऑपरेटेड बाय गुजरात गैस लिमिटेड. तो इनके रफली मोर देन 800 CNG स्टेशन हैं एंड ऑल्सो दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद NTPC टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप नेचुरल गैस, राइट. एंड सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आता है GSPL के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में, तो वो आता है फ्रॉम गुजरात गैस लिमिटेड. बिकॉज इफ यू सी द रेवेन्यू एज ऑफ FY23 ऑफ गुजरात गैस लिमिटेड इज 16,759 करोड़ एंड पैट इज रफली 1500 करोड़. जबकि स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखें GSPL का खुद का रेवेन्यू इज अप्रॉक्स 1700 और करोड़. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आता है साबरमती गैस लिमिटेड विच इज अ एसोसिएट कंपनी, जहाँ पे ये स्टेक है GSPL का स्टेक इनमें है 27.5% एंड साबरमती गैस लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज्ड इन CNG ऑपरेटिंग CNG स्टेशन एंड PNG पाइपलाइंस, बट इन अ वेरी मतलब स्पेसिफाइड रीजन्स, ओनली थ्री रीजन्स बेसिकली, गांधीनगर, साबरकांता एंड मेहसाना डिस्ट्रिक्ट. एंड इनका रेवेन्यू एज ऑफ FY22 रहा है 1791 करोड़ एंड पैट रहा है 346 करोड़. इसके बाद GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड एंड GSPL इंडिया ट्रांसको लिमिटेड है. नाउ ये JVs है ऑफ GSPL एंड
IOCL, HPCL एंड BPCL, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि GSPL का 52% स्टेक है, IOCL का 26% स्टेक है, HPCL का 11 एंड BPCL का 11% स्टेक है. नाउ ये जो दो JVs है ये फॉर्म की थी फॉर टू डिफरेंट पाइपलाइन purposes. एक तो है टू ले पाइपलाइन फ्रॉम महसाना बठिंडा एंड बठिंडा टू जम्मू, एंड जो GSPL ट्रांसको फॉर्म की थी दैट वॉज फॉर मल्लवरम भोपाल भीलवाड़ा विजयपुर पाइपलाइन. नाउ ये जो सेकेंड है ट्रांसको जो JV है, ये जो पाइपलाइन है वो मोस्टली कंप्लीट हो ही चुकी है, दैट इज़ अ कंप्लीटेड पाइपलाइन. बट जो GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड है दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, एंड ये पाइपलाइन इनको इशू हुई थी, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये इनको मिला था फ्रॉम PNGRB इन 2011. सो काफ़ी बड़ा एक टाइमलाइन मतलब हो चुका है कि ये प्रोजेक्ट्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट. तो हम आगे बात करेंगे. तो जो ये मल्लवरम भोपाल भीलवाड़ा वाला प्रोजेक्ट है, आप एक अभी स्लाइड देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही है दैट इज़ फ्रॉम गुजरात, दैट इज़ फ्रॉम इवन राजस्थान टू बिलो टू मल्लवरम इन आंध्र प्रदेश. तो ये मोस्टली कंप्लीट हो ही चुकी है. बट जो अनदर लाइन है दैट इज़ फ्रॉम पंजाब टू अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर, तो वो एक बीच वाला जो पैच है दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. तो नाउ ये जो प्रोजेक्ट इनको इशू किया था दैट वाज इन 2011, एंड अभी हम थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे की माइलस्टोन्स कंपनी ने क्रॉस किया है. तो कंपनी जो GSPL है वो फॉर्म हुई थी इन 2000. टिल 2005 दे हैव पेनिट्रेटेड इन गुजरात, मतलब जो पाइपलाइंस थे उन्होंने सेटअप किए इन फ्रॉम हजीरा मोरा अंबोली दाहेज. तो इन्होंने मल्टीपल पाइपलाइन सेटअप किए फ्रॉम टर्मिनल्स टू CNG स्टेशन एट्सेट्रा. देन 2007-8 में इन्होंने एक गैस ट्रांसमिशन एग्रीमेंट साइन किया विथ रिलायंस फॉर 11 MMS CMD फ्रॉम भरूच टू जामनगर, विच इज़ बेसिकली जो ट्रांसमिशन करना है उतना गैस. देन 2011 में इन्हें अवार्ड हुआ था ये जो तीन पाइपलाइंस है मल्लवरम भीलवाड़ा महसाना बठिंडा एंड बठिंडा जम्मू श्रीनगर, ये पाइपलाइंस इन्हें PNGRB से दैट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन्हें 2011 में अवार्ड हुई थी. देन 2013 में इन्होंने एक कैपेसिटी बुक की विद पेट्रोनेट LNG एट दाहेज टर्मिनल फॉर पीरियड ऑफ 20 years, ताकि ये रीगैसिफिकेशन हो सके ऑफ LNG जो इम्पोर्ट होता है. देन 2015 एंड 16 में GSPL को CGD नेटवर्क का लाइसेंस मिला इन पंजाब. तो इन पंजाब में अमृतसर एंड बठिंडा में ये CNG अपने जो स्टेशंस है वो सेटअप कर सकते हैं, इसका लाइसेंस मिला इनको फ्रॉम PNGRB. एंड 2016 में इन्होंने स्टेक इंक्रीज किया इन साबरमती गैस लिमिटेड, जो कि हमने देखा कि वो अभी एसोसिएट है जो ऑपरेट करती है सिर्फ ओनली इन गांधीनगर साबरकांता एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट. सिमिलरली इन 2018 जो इन्होंने 2013 में एक रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी बुक की थी, सिमिलरली इन्होंने एक स्टेक ले लिया इन स्वान LNG प्राइवेट लिमिटेड फॉर रीगैसिफिकेशन पर्पजेस ऑफ 5 MMTPA ऑफ LNG. एंड देन 2018 में इन्होंने अपना जो स्टेक था इन गुजरात गैस लिमिटेड वो इंक्रीज कर दिया फ्रॉम टू 54.16% अप्रॉक्स, एंड दिस इज़ हाउ GSPL बिकेम द पैरेंट ऑफ गुजरात गैस लिमिटेड. एंड उसके बाद 2021 में जो इन्हें 2015-16 में जो लाइसेंसेस मिले थे टू सेटअप द CNG स्टेशन इन पंजाब, उन्होंने वो सब काम ट्रांसफ़र कर दिया टू गुजरात गैस लिमिटेड, बिकॉज गुजरात गैस लिमिटेड ही सब सेटअप करता है CNG स्टेशन, PNG लाइन्स एट्सेट्रा. अब हम बात करते हैं कि GSPL का ओवरऑल बिजनेस मॉडल एंड स्नैपशॉट कैसा है. तो गुजरात गैस पेट्रोनेट लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट एंटिटी, एंड इट इज़ बेसिकली ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है नेचुरल गैस, ओनली नेचुरल गैस की बात हो रही है, थ्रू पाइपलाइन ऑन एन ओपन एक्सेस बेसिस. नाउ यहाँ पे ओपन एक्सेस का मीनिंग क्या है कि सपोज एक हमने पाइपलाइन सेटअप कर ली, तो वो पाइपलाइन अगर हमने सेटअप कर ली तो उस ऐसे नहीं कि सिर्फ GSPL ही वो यूज़ कर सकता है, नाउ GSPL कैन लीज इट एज वेल. सो दिस इज अ ओपन एक्सेस मॉडल विच दे आर फॉलोइंग. सो लीजिंग का भी फैसिलिटी, लीजिंग का भी फीस उनको मिल सकता है. एंड अगर हम देखें तो FY23 में इन्होंने 9,253 मिलियन मेट्रिक का गैस ट्रांसमिट किया है. देन इनका एज ऑफ FY23 ओवरऑल पाइपलाइन नेटवर्क जो है दैट स्टैंड्स अराउंड 2,704 किलोमीटर्स, एंड इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑपरेटर आफ्टर गेल, विच इज़ अ मतलब गेल वॉज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो सब पाइपलाइन सेटअप करना था, गैस मार्केटिंग करना था, तो गेल का
over the years, pipeline network has increased more than 10,000 kilometers. So GAIL is the largest player in this industry. Then apart from that, अगर हम देखें तो ये जो पाइपलाइन है ये कनेक्ट करते हैं टू मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे पावर सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, केमिकल एंड इवन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. एंड सिमिलरली अंडर ऑल दिस सेगमेंट्स दे हैव 100 सच कस्टमर्स GSPL के. देन ये आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड एक सेगमेंट वाइज मिक्स है इनका, वॉल्यूम मिक्स है कि GSPL का 35% वॉल्यूम जाता है टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, 22% एज ऑफ Q1 FY 24, मैं ये नंबर्स बोल रहा हूँ, 22% है ऑफ रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल. फर्टिलाइजर को वॉल्यूम है 12%, पावर का है 14% मिक्स एंड अदर्स इज 17%. सो दिस इज हाउ द मिक्स हैज बीन. देन GSPL का अगर एक ओवरऑल गैस ग्रिड अगर हम देखें तो आप ये कभी टेबल देख पा रहे होंगे. सो ओवरऑल जो हमने बात की कि 2704 किलोमीटर्स का इनका ओवरऑल पाइपलाइन है. एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अब कितने ईयर्स में एज सच इन्होंने कुछ गाइडेंस तो दिया नहीं. बेसिकली ये कंपनी का ये है कि कॉन कॉल, कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ज़्यादा तो ये डिस्क्लोज करते नहीं है कुछ डेटा, बट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव कि GSPL इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट INR 4,300 crores फॉर टू एड मोर 1,000 एडिशनल किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइंस. एंड ये पाइपलाइन वो ऐड करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे फ्रॉम अपकमिंग LNG, वन और टू जो LNG स्टेशंस आ रहे वहाँ से टू द न्यू गैस स्टेशंस और जो ओल्ड एग्जिस्टिंग गैस स्टेशन से वहाँ तक भी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, एक छोटा सा ये भी एनालिसिस है कि इनके एंट्री पॉइंट्स क्या है एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या है. तो आप अभी एक स्लाइड देख पा रहे होंगे, वहाँ पे दे हैव टू की गैस ग्रिड्स. एक है GSPL हाई प्रेशर गुजरात गैस ग्रिड एंट्री पॉइंट, एंड एक है GSPL लो प्रेशर गुजरात गैस ग्रिड, दैट इज़ अ एग्जिट पॉइंट. तो यहाँ पे जो जो टेबल में है, दोज आर द एंट्री पॉइंट्स. वेर एज जो नीचे मैंने जस्ट लिखा है कि देर आर 60 एग्जिट पॉइंट्स अप टू द स्टेशंस, CNG स्टेशंस मल्टीपल लोकेलिटीज़ में. एंड जो लो प्रेशर गैस ग्रेड है, दैट इज दे हैव 7 एग्जिट पॉइंट्स, ऑफ विच 5 आर इन हजीरा. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर अनाउंस किया है, तो बेसिकली ये यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर वाज इन टॉक्स फॉर मोर देन 5 to 7 years, एंड एज ऑफ 1 अप्रैल 2023 से इसको इम्प्लीमेंट किया है. नाउ दिस हैज़ बीन अ स्टेप टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द नेचुरल गैस मिक्स फ्रॉम 6.2% टू 15% टू अप टू 2030. बेसिकली जो नेचुरल गैस का मिक्स है, कंजम्पशन है नेचुरल गैस का इन द ओवरऑल एनर्जी बास्केट, वो गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है फ्रॉम 6.2% टू 15% बाय 2030. अब ये जो 15% का नंबर था, ये पहले था 20%, बट लाइक मोर डीलेज एंड मोर एग्जीक्यूशन जो डीलेज हो रहे हैं उसी की वजह से अब ये नंबर पहले इन्होंने अभी कम कर दिया है. पहले 20% था, अब ये कम कर दिया है टू 15%. अब गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि जो लेट से GSPL जो गैस ट्रांसमिट करेगा, तो वो इन्होंने जोन में बायफर्केट कर दिया है. सो देर आर 3 जोन्स. एक तो है जोन 1, दैट इज़ अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स गैस सोर्स टू, मतलब जो जहाँ से गैस सोर्स हो रहा है अप टू 300 किलोमीटर्स. देन जोन 2, दैट इज 300 किलोमीटर्स टू 1200 किलोमीटर्स. एंड जोन 3 इज़ बियॉन्ड 1200 किलोमीटर्स. तो अब गुजरात गैस पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL अगर इन अप टू 300 किलोमीटर गैस ट्रांसमिट करेगा, तो उसको टैरिफ मिलेगा एट अ रेट ऑफ 39.45 पर MMBTU. अगर ये 300 टू 1200 किलोमीटर्स में अगर गैस ट्रांसमिट करेंगे, तो उनको टैरिफ मिलेगा 74.97 पर MMBTU. एंड बियॉन्ड 1200 किलोमीटर्स अगर ये गैस ट्रांसमिट करेंगे, तो इनको टैरिफ मिलेगा 99.90 पर MMBTU. अब ये क्यों लाया है प्रपोजल, प्रपोजल बेसिकली एक्सेप्ट ही कर दिया है. अब बट ये क्यों लाया है, दिस मतलब ये लाने का थॉट प्रोसेस ये है कि जो फार फ्लेज्ड स्टेट्स है, जैसे ईस्ट इंडिया हो गया, तो वहाँ तक ये पाइपलाइन पहुँच पाए एंड वहाँ तक पहुँचने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए. बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, तो मतलब बेसिकली जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो उसके लिए गैस एज अ कंजम्पशन चीपर हो जाएगा एंड वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे. सो दिस ऑल एफर्ट्स आर बीइंग टेकन, दिस ऑल पॉलिसी रिफॉर्म्स आर बीइंग टेकन जस्ट टू
इंक्रीज द वॉल्यूम्स फॉर ऑफ नेचुरल गैस, एंड ऐसे ही करके 6.2% से वो 15% तक एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का प्रोपोर्शन ले जाना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसका इम्पैक्ट एनालिसिस देखें, सो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, तो गेल एंड GSPL पे इसका इम्पैक्ट रफली न्यूट्रली होगा, बिकॉज इनको ये ट्रांसमिशन के जितना वो किलोमीटर्स के वाइज ट्रांसमिट कर रहे हो वैसे उनको फंड्स मतलब रेवेन्यू इनको मिलेगा। बट एट एंड यूज़र कंपनीज सच एज़ जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, जो पावर कंपनीज़ हैं, बाकी जो कंपनीज़ हैं, तो उनके लिए थोड़ा कॉस्ट बर्डन हो सकता है, तो उनके मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। प्लस जो महानगर गैस है एंड इंद्रप्रस्थ गैस है, तो महानगर गैस स्पेशली ऑपरेट्स इन महाराष्ट्र रीजन, इंद्रप्रस्थ ऑपरेट्स इन दिल्ली एंड रिलेटेड अलाइड रीजन्स, तो वहाँ तक अगर सो पहले महानगर गैस ना फॉल्स इन जोन वन, तो पहले जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था वो करंट कॉस्ट उनको था 34.7%, बट अब ये जोन वाइज एप्लीकेबिलिटी आने की वजह से उनका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा टू 39.45 पर MMBTU। देन सिमिलरली इंद्रप्रस्थ का भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 59 टू 74.97, बिकॉज वो अभी जोन टू में फॉल होंगे। तो इसी के बेसिस पे अगर हम एक एस्टिमेट लेंगे इन CNG टर्म्स ऑन पर KG बेसिस, लाइक पर KG बेसिस इन CNG टर्म्स जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को सेल होगा, तो उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 to 1.5 पर KG फॉर MGL एंड IGL। देन उसके बाद अब ये सब होने के बाद गवर्नमेंट ने जो किरित पारित कमेटी के रिकमेंडेशंस थे वो अपना लिए, एंड उसके बाद जो किरित पारित कमेटी के कुछ की रिकमेंडेशंस थे उसको अपनाने के बाद दे हैव कम अप विथ अनदर सेट ऑफ रूल्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिफोर किरित पारित कमेटी क्या होता था, तो बिफोर किरित पारित कमेटी जो गैस फील्ड्स ऑपरेट होते थे दोज आर ऑपरेटेड बाय ONGC एंड OIL, राइट, एंड जो अभी भी लाइक अभी भी 65% ऑफ द टोटल गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड कम्स फ्रॉम दीज टू कंपनीज। देन प्रीवियसली जो पहले गैस तो प्रोड्यूस कर लिया बाय ONGC एंड OIL नेचुरल गैस कंपनीज हैं, बट उसको मार्केटिंग करने का काम गेल करता था, राइट, अभी भी करता है बेसिकली, बट नाउ देर आर मल्टीपल अदर प्लेयर्स, जैसे GSPL हो गया एंड देर आर स्टेट प्लेयर्स एज वेल नाउ, तो मार्केटिंग करने का काम गेल करता है। नाउ इन सब कंपनीज़ को जो प्राइसिंग मिलता था फॉर नेचुरल गैस, तो वो मिलता था बेस्ड ऑन एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म, राइट, एंड दैट वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता था, दैट फॉर्मूला वॉज डिसाइडेड बेस्ड ऑन फोर प्राइसेस ऑफ फोर डिफरेंट प्लेसेस। एक तो है हेनरी हब USA का, अल्बर्टा कैनेडा का, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट UK का, एंड एक रशिया के प्राइसेस। नाउ ये सबका एवरेज लेके दैट फॉर्मूला इज टू बी डिसाइडेड एवरी 6 months, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था विद अ लैग ऑफ अ क्वार्टर। एंड इसी की वजह से अगर जो लाइव नेचुरल प्राइजेस है अगर वो डिक्लाइन भी हो जाए, स्टिल हम ज़्यादा पे करते थे। तो ये सब अभी ना हो, राइट, ये सब अभी ना हो एंड लाइव नेचुरल प्राइजेस इमिडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाए मार्केट में, तो इसी की वजह से किरित पारित कमेटी के रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूव कर दिया है। नाउ व्हाट आर दोज रिकमेंडेशंस, तो यहाँ पे जो होगा, जो प्राइजेस ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस होंगे दैट विल बी अनाउंस्ड एवरी मंथ एंड दैट विल बी पेक्ड एट 10% ऑफ नेचुरल 10% ऑफ इंटरनेशनल प्राइस ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट। तो जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसको 10% का इसको पैक कर दिया जाएगा। नाउ दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द नेचुरल गैस प्राइजेस बाय 10%, लाइक CNG एंड PNG के जो प्राइजेस है, दैट इज एक्सपेक्ट दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10%, एंड अगर प्राइजेस कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगेन। एंड ये सब हो रहा है एट एंड कंज्यूमर लेवल, जो रिटेल हम कंजम्पशन करते हैं ऑफ नेचुरल गैस। नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो प्राइसिंग होगा उसका एक फ्लोर प्राइस होगा एंड एक कैप प्राइस होगा, एंड वहाँ पे कैप प्राइस जो होगा दैट विल बी 6.5 पर MMBTU डॉलर्स, $6.5 MMBTU, एंड जो फ्लोर प्राइस होगा दैट विल बी $4 पर MMBTU, एंड ये जो फ्लोर एंड जो सीलिंग है ये एवरी ईयर इंक्रीज होगा बट $0.5 MMBTU। एंड नाउ ऑल दिस इज एक्सपेक्टेड, ऑल दिस इज मतलब ये जो सब अभी लाया है ये सब इसीलिए लाया है ताकि एंड कंज्यूमर का वॉल्यूम नेचुरल गैस का इंक्रीज हो सके, एंड जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है अपना
वो भी कम हो सके. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद हम अभी डिस्कशन करते हैं अबाउट GSPL के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखो तो फ्रॉम FY13 टू FY23 द ग्रोथ इज वेरी स्लो, 4.1% का कैगर रहा है. देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बड़ा है बाय 5.8% CAGR. देन अपार्ट फ्रॉम दैट GSPL के अगर हम स्टैंड अलोन मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स आप देख पा रहे होंगे कि थोड़े ग्रॉस मार्जिन्स इनके डिक्लाइन हुए हैं. दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज जो ट्रांसमिशन एक्सपेंसेस इनको देने पड़ते हैं टू देयर JVs, तो उसकी वजह से वो ग्रॉस मार्जिन्स डिक्लाइन हुए. बट पैट मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ लीवरेज एंड ऑल दैट. देन फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें, सो फ्री कैश फ्लो में आप देख सकते हो कि इट्स अ टिपिकली एन्युटी बिजनेस. फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी रोबस्ट एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स बिकॉज GSPL के स्टैंड अलोन बेसिस पे ज़्यादा इनका बिजनेस कैसा है कि पाइपलाइन सेटअप करना है. देन वो पाइपलाइन से जो गैस ट्रांसमिट होगा उसका इनको रिलेटेड फीस मिलेगा एंड दे कैन ऑल्सो लीज दैट पाइपलाइन. सो वो एन्युटी बेसिस पे इनका चलता रहेगा. ये जैसे जैसे एक्सपैंड करते जाएंगे तो वैसे वैसे इनका रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज बढ़ता जाएगा. बट द कैच हियर इज़ कि एक्सपेंशन में भी काफ़ी फंड्स लगते हैं. सो इट्स अ हाई हैवी हैवी कैपेक्स हैवी बिजनेस, राइट. देन गैस ट्रांसपोर्टेड पर डे का भी आप चार्ट देख सकते हो. दिस इज अगेन साइक्लिकल. तो अभी रिसेंटली ये डिक्लाइन भी हुआ है बिकॉज गैस प्राइसेस भी हाई थे, तो इसी वजह से FY23 में ये डिक्लाइन हुआ था. देन गैस ट्रांसपोर्टेड इन टोटैलिटी अगर हम देखें तो वो भी रिसेंटली डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 12,369 एज ऑफ FY22 टू 9,200 एज ऑफ FY23. अगेन गैस प्राइसेस जो इंक्रीज हुए थे तो बेसिकली फर्टिलाइजर कंपनीज को इनपुट कॉस्ट कम करनी थी, तो इंडस्ट्रियल्स पे बेसिकली इनपुट कॉस्ट कम करने का प्रेशर था. तो इसी की वजह से नेचुरल गैस ना यूज़ करके दे हैव बीन यूजिंग सम अदर अल्टरनेटिव. देन पाइपलाइन नेटवर्क की अगर हम बात करें, सो पाइपलाइन नेटवर्क भी आफ्टर 2012 कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ा नहीं है. वेर एज फ्रॉम FY6 टू FY12 अगर हम देखें तो चकासा डबल हुआ है. देन अगर हम गुजरात गैस की अगर हम बात करें, सो गुजरात गैस का बिजनेस मॉडल पहले समझ लेते हैं कि गुजरात गैस इज़ अ अगेन इट्स अ सब्सिडरी ऑफ GSPL. नाउ यहाँ पे जहाँ मतलब जो GSPL गैस ट्रांसमिट करता है तो वो जो एंड पॉइंट है, दैट एंड पॉइंट इज ऑपरेटेड बाय GSPL गुजरात गैस लिमिटेड. नाउ इनका मार्केट शेयर एज ऑफ March 2023 अगर हम देखें तो दैट इज 39% एंड इन कमर्शियल गैस. डोमेस्टिक कनेक्शंस में अगर हम मार्केट शेयर देखें दैट इज 18% एंड CNG स्टेशंस में अगर हम मार्केट शेयर देखें दैट इज 15%. इंडस्ट्रियल कनेक्शंस में अगर हम मार्केट शेयर देखें दैट इज 29%. नाउ एक बात ये भी समझ लेते हैं कि गैस कंपनीज जो अल्टीमेट गैस कंपनीज है वो वर्क कैसे करती है. सो यहाँ पे क्या होता है कि बिडिंग इज अंडरटेकन बाय PNGRB फॉर मल्टीपल सिटीज एंड वहाँ पे ये कंपनी जाके बिड करती है एंड जिसको बिड मिलता है दे कैन सेटअप अ CNG स्टेशन और दे कैन सेटअप देयर पाइपलाइंस ऑफ PNG. नाउ यहाँ पे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दे गेट एक्सक्लूसिविटी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी. अब जो मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी है दैट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी है दैट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years. अब नाउ मार्केटिंग जो एक्सक्लूसिविटी है अंडर दिस टर्म नो अदर प्लेयर कैन सेल नेचुरल गैस इन दैट पर्टिकुलर रीजन. सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली मार्केट लेवल एक्सक्लूसिविटी एंड ये टर्म एक्सपायर होने के बाद भी अगर न्यू प्लेयर आता है वहाँ पे नेचुरल गैस सेल करने को, स्टिल दैट न्यू प्लेयर हैज़ टू पे सम फीस टू द ओरिजिनल प्लेयर जिसको ओरिजिनली वो लाइसेंस मिला है वो रीजन में वो एरिया में ऑपरेट करने का. देन ऑन द अदर हैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी है तो वहाँ पे CGD प्लेयर्स गेट्स राइट टू ले बिल्ड एंड ऑपरेट देयर पाइपलाइंस इन द जोग्राफिकल एरिया एंड नो अदर कंपनीज अलाउड टू ले द पाइपलाइंस. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. दिस इज हाउ द बेसिकली गैस कंपनीज वर्क. यहाँ पे इनको एक टिपिकल मोट टाइप दिया जाता है. देन अगर हम गुजरात गैस का ओवरऑल एक समरी देखें कि इनके कैसे नंबर्स है तो CGD लाइसेंसेज दैट इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज स्प्रेड उनका है 27 CGD लाइसेंसेज. दे ऑपरेट इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अक्रॉस सिक्स स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंस एरिया अगर हम देखें तो इनका 1,75,700 का स्क्वायर किलोमीटर्स का ओवरऑल लाइसेंस्ड एरिया है. देन कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें सो मोर देन 19 लाख रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं इनके एंड
over 14,000 commercial customers hai, then more than 800 CNG stations set up hai over the और गुजरात एंड इवन पंजाब पार्शल पंजाब में इनका जो नेटवर्क है वहाँ पे. एंड ये जो अभी कमेंट्री रिसेंटली ये भी आई है Q1 FY 24 के कॉनकॉल में कि ये जो CNG स्टेशन्स है वो ये बढ़ाना चाहते हैं बाय 60-70 CNG स्टेशन्स ईच ईयर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम PNG सप्लाई टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दैट नंबर हावर्स टू 4,360 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये सप्लाई करते हैं. एंड ओवरऑल नेचुरल गैस का जो सप्लाई मतलब किलोमीटर्स का पाइपलाइन एक्सेस इनको है दैट इज मोर देन 30,000 किलोमीटर्स. देन गुजरात गैस के फाइनेंशियल्स के नंबर्स की अगर हम बात करें बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज इट्स अ मटेरियल सब्सिडरी ऑफ GSPL तो इनके नंबर्स भी बड़े हैं बाय 8.3% CAGR फ्रॉम FY15 टू FY23. पैट बढ़ा है बाय 16.7% CAGR. एंड रिसेंटली जो वॉल्यूम्स बड़े थे आफ्टर कोविड तो इसी की वजह से ये सडन जंप आया है फ्रॉम FY21 टू FY22. वेर एज FY23 वॉज मोर ऑफ अ फ्लैटिश ईयर. आप देख सकते हो कि वॉल्यूम गिरे बट एवरेज रियलाइजेशन उतना नहीं गिरा तो दैट इज़ सम लेवल कॉम्प ऑफ मिला है वहाँ पे. एंड वॉल्यूम कहाँ पे गिरा है तो वॉल्यूम ज़्यादा गिरा है एट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लेवल बिकॉज इनपुट कॉस्ट कम करने का प्रेशर अगेन तो वो दैट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉल्यूम. एंड इसी की वजह से इनका वॉल्यूम भी ओवरऑल गिरा है. देन गुजरात गैस के मार्जिन्स अगर हम देखें तो गुजरात गैस के मार्जिन्स हॉवर अराउंड ग्रॉस मार्जिन्स हॉवर अराउंड 20% अप्रॉक्स. एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और इंक्रीजिंग लीवरेज एक आ रहा है जैसे जैसे CNG स्टेशन बढ़ा रहे. देन अगर हम डेट की अगर हम बात करें सो डेट इज़ डिक्रीजिंग. ये डेट इन्होंने लिया था फॉर फंडिंग ऑफ द CNG स्टेशन एंड सेटअप जो इनको लगता है. देन फ्री कैश फ्लोज भी काफ़ी रोबस्ट है. फ्री कैश फ्लोज इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 700 odd crores टू 1200 odd crores. एंड CWIP काफ़ी रोबस्ट है. सो CWIP इंडिकेट्स कि इनका कितना पाइपलाइन में कैपेक्स प्लान कितने पाइपलाइन में है इनके करेंटली. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंस एरिया की अगर हम बात करें सो ये भी बड़ा है फ्रॉम 96,000 जो लाइसेंस एरिया है पूरा है 96,000 स्क्वायर किलोमीटर्स टू 1,75,700 स्क्वायर किलोमीटर्स. देन नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बड़े हैं. सो कमर्शियल कस्टमर्स बड़े हैं बाय अप्रॉक्स 2,000 एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स बड़े हैं फ्रॉम 11 lakhs टू रफली 20 lakhs. डबल हुए हैं इन लास्ट फ्रॉम FY16 टू FY23. CNG स्टेशंस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है फ्रॉम FY15 जो जहाँ पे इनके 234 CNG स्टेशंस थे अभी मोर देन 800 CNG स्टेशंस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PNG सप्लाई टू इंडस्ट्रियल कस्टमर जो है तो वो भी बड़ा है. देन मार्केट शेयर की अगर हम बात करें सो दिस इज समथिंग एक नोट करने वाली चीज़ है कि मार्केट शेयर इनका थोड़ा गिर रहा है. नाउ दिस इज़ बिकॉज मल्टीपल अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो देर इन गुजरात बिकॉज इनका सबसे ज़्यादा रीच तो गुजरात में ही है तो मल्टीपल अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो एंटरिंग गुजरात जैसे टोरेंट गैस है अदानी टोटल गैस है तो ऑल दीज अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो देर. वो भी अपने स्टेशंस वो भी अपने पाइपलाइन सब सेटअप कर रहे हैं. तो ओवर द ईयर्स आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक कनेक्शंस में CNG में देन कमर्शियल कनेक्शंस में इंडस्ट्रियल में इनका मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है. अब हम थोड़ा इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे आप एक अभी स्लाइड देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे वर्ल्ड टॉप 30 नेचुरल गैस रिजर्व कंट्रीज़ का एक लिस्ट है जहाँ पे रशियन फेडरेशन जो कि दुनिया का मतलब सबसे बड़ा देश भी है बाय साइज़ उसके पास सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व्स है राइट. 37,392 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के गैस रिजर्व्स रशिया के पास है. देन दैट रैंक्स नंबर वन. उसके बाद आता है ईरान इराक एंड इंडिया रैंक्स है 22nd वेर इन इंडिया के पास रफली है 1300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के गैस रिजर्व्स. देन अगर हम ये डिस्कस करें कि वर्ल्ड टॉप 30 नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है तो एज ऑफ 2022 US इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री जहाँ पे US प्रोड्यूसेस हैज़ प्रोड्यूस्ड रफली 979 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस इन 2022 एंड इंडिया रैंक्स 23rd जहाँ पे जस्ट 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का गैस प्रोड्यूस किया है. वेर एज द डिमांड मे बी सो लार्ज बिकॉज आगे जाके जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा फ्रॉम 6.2 to 15% अगर ये बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स कैन इंक्रीज. वर्ल्ड टॉप 30 नेचुरल गैस कंज्यूमिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें सो यहाँ पे इंडिया रैंक करता है 15th. इंडिया कंज्यूम्स 58
बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आपने जो देखा कि इंडिया कंज्यूम्स 58 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस, बट इंडिया प्रोड्यूस करता है सिर्फ 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का। तो जो बैलेंस है दैट इंडिया इम्पोर्ट्स, राइट। अभी आप एक स्लाइड भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी का डिटेल्स है, तो वहाँ पे इंडियाज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी स्टिल 44%, राइट। एंड ये आगे जाके कम करने का प्लान है गवर्नमेंट का। जैसे जैसे ये कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो मोर सीएनजी स्टेशंस भी सेटअप होंगे, मोर नेचुरल गैस टर्मिनल्स भी सेटअप होंगे। एंड जैसे कि हमने देखा कि जीएसपीएल के जो अपकमिंग जो नेचुरल गैस स्टेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ से वो जीएसपीएल पाइपलाइन भी सेटअप करना चाह रहे हैं 1000 किलोमीटर्स का एडिशनली। तो आगे जाके जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम थोड़ा और इंडस्ट्री एनालिसिस करें कि जो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बेसिकली अपार्ट फ्रॉम जो यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर लाया, देन किरित पारित कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के कुछ अप्रूव किए एंड इम्प्लीमेंट किए, तो अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टेकन स्टेप्स सच एज ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन विद सीएनजी टू द एक्सटेंट ऑफ 18% फॉर यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेस। आपने अगर एनटीपीसी का प्रेजेंटेशन देखा तो दे आर वर्किंग विद गुजरात स्टेट फॉर दिस ब्लेंडिंग पर्पज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ आइडेंटिफाइड 1000 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया टू सेटअप एलएनजी आउटलेट्स। नाउ जैसे कि हमने बात की थी पहले कि जो एलएनजी जो इम्पोर्ट करते हैं, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, नॉट इन अ गैस फॉर्म बट इन लिक्विड फॉर्म, तो वो डायरेक्टली अगर हम व्हीकल्स में यूज़ कर सके तो ये जो बीच का रीगैसिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो बच जाएगा, एंड डायरेक्टली वी कैन यूज़ दैट एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स एंड फॉर अदर पर्पजेस। नाउ दिस इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन फॉर सीएनजी, बिकॉज कैनिबलाइजेशन सीएनजी का हो सकता है एंड एलएनजी कैन गेन मोर प्रोमिनेंस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज एमिंग टू क्रिएट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट $60 billion ओवर द नेक्स्ट 4 years फॉर लेइंग गैस पाइपलाइंस एंड एलएनजी टर्मिनल्स, जहाँ पे रीगैसिफिकेशन का भी फैसिलिटी होगा एंड ऑल दैट। सो जहाँ तक हम ये समझ पा रहे हैं कि ऑल द थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड। एक तो है ईवी का पेनिट्रेशन, जहाँ पे ईवी का पेनिट्रेशन हो रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सीएनजी का पेनिट्रेशन हो रहा है, पीएनजी का पेनिट्रेशन हो रहा है, बेसिकली नेचुरल गैस का एक एनर्जी मिक्स गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रहा है बाई इन्वेस्टमेंट्स। And similarly, government is also planning for LNG related things, right? So all these three are going hand in hand. अब इसमें ये देखना होगा कि ultimately जीतता कौन है। Is it the EV who will become as a winner? Is it the CNG or natural gas who will emerge? Or is it the LNG which will ultimately be used in vehicles or other as a alternative? तो ये तो देखना पड़ेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ओवरऑल सीएनजी स्टेशंस की अगर हम बात करें, सीएनजी स्टेशन लिस्ट की, तो गुजरात स्टेट टॉप्स, लाइक रफली 1000 सीएनजी स्टेशंस इनके हैं। एंड पंजाब में जहाँ पे गुजरात गैस का प्रेजेंस है, तो वहाँ पे 204 सीएनजी स्टेशंस है। एंड एज पर जो आईबीएफ के डिटेल्स है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, तो नेचुरल गैस कंजम्पशन फोकास्ट इन्होंने कुछ रिलीज किया है। तो वहाँ पे इन्होंने बताया है कि नेचुरल गैस कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 12% सीएजीआर। सो दिस इज़ वन सच नंबर टू वॉच। बट यहाँ पे ग्रोथ का बेसिकली इट इज़ सीन दैट अक्रॉस द सेक्टर की ग्रोथ रिलेटिवली थोड़ी स्लो हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज एक तो एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा कि इनको पाइपलाइन ऑफर की थी सेटअप करने को, एलओए अवार्ड किया था इन 2011, जबकि अब तक वो नहीं हुई है सेटअप, पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए वो सब पाइपलाइन। तो यहाँ पे एक वो भी रिस्क है विद दिस सच कैपेक्स हैवी कंपनीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यूएसए का नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क देखें, तो यूएसए का नेचुरल गैस पाइपलाइन, आप अभी एक स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे नेचुरल गैस इनका नेटवर्क है ऑफ रफली 3 मिलियन माइल्स। इंडिया का रफली 30,000 किलोमीटर्स है, 3 मिलियन माइल्स का इनका नेटवर्क है। तो मे बी दिस यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इंडिया के पास, जहाँ पे बट अगेन लाइक यूएस में काफ़ी अदर पर्पजेज के लिए नेचुरल गैस यूज़ होता है, सच एज हीटर्स एंड ऑल दैट। सो नेचुरल गैस कंजम्पशन भी यूएस में उतना, डिमांड भी उतनी है
या इंडिया में भी ये इंक्रीज होने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। देन अगर हम ओवरऑल होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के बारे में बात करें, राइट, बिकॉज गुजरात गैस लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, तो गुजरात GSPL होल्ड स्टेक इन गुजरात गैस लिमिटेड, तो यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट एक मिलता है इन GSPL, तो वो करेंटली इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 9-10% ऑड। तो अगर ये गुजरात जो GSPL जो GGL में जो स्टेक ओन कर रहा है, अगर उसका कम्प्लीटली मार्केट वैल्यूएशन किया जाए एंड अगर वो मार्केट वैल्यूएशन पे अगर आ जाए मतलब पूरा स्टेक, तो दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन GSPL प्राइजेस बाय रफली 10%। सो दिस इज ओवरऑल द वैल्यूएशन पार्ट। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।